ही हेलो दोस्तों, निहास किचन बिला में आप सबका स्वागत है। तो झटपट वाले दिवाली आइडियाज, चलिए घर को बहुत जल्दी से सजाते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री को डेकोरेट करेंगे। घर की एंट्री पर आप चाहें तो एक खूबसूरत सा एक प्लांट लगा दीजिए, और एक छोटा स्टूल यदि आपके पास है या फिर कोई पट्टा टाइप का है तो आप उसको रख सकते हैं। उसको किसी भी एक सुंदर से कपड़े से और थोड़े चटक कपड़े से आप कवर कर सकते हैं, या फिर जो चौकी मैट्स आते हैं आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा कांच का हम बाउल लेंगे, या फिर उड़ली ले लीजिए यदि आपके पास तांबे या पीतल की उड़ली है। नहीं है तो एक कांच का बड़ा बिग बाउल, इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम इसमें कुछ फ्लावर्स डाल देंगे, दो या तीन कलर के फ्लावर्स। और इन्हीं फ्लावर्स से हमने बीच वाले फ्लावर्स को बहुत ही सेंटर में कर दिया है, जिससे ये इधर उधर ना भागे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ स्टील के बड़े वाले दीपक लगाएंगे। स्टील के नहीं, पीतल वाले बड़े दीपक। और इसके चारों साइड हमने फूलों वाली बंदरबार लेकर इसको डेकोरेट कर दिया है। आप गेंदे के फ्रेश फ्लावर की भी माला का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली वाले दिन हर किसी के घर पर फ्रेश फ्लावर्स बहुत सारे क्वांटिटी में आते हैं, एंड फ्रेश फ्लावर की डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत लगती है। बस इन दीपक में आप तेल को भरिए, पांचों दीपक को जलाइए, एंड छोटे छोटे दीपक साइड से रख दीजिए। और हमारे घर की एंट्रेंस बहुत ही सुंदर दिखेगी। इसके बाद जो रेडीमेड रंगोली आती हैं, वो हर साल हम गोलाई में तो लगाते ही हैं, क्यों ना इसको इस बार हम एंट्रेंस पर लगाएं। तो इनको एंट्रेंस पर क्रिएट करने के लिए हम इनको बीच में दीपक के साथ सेट कर देंगे और दीपक को जला देंगे, तो ये दीपकों को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। सेकेंड आइडियाज़ के लिए, जो घर के सेंटर टेबल होते हैं उस पर आप एक कलरफुल टेबल मैट यूज़ कर सकते हैं। उसके ही साथ यहाँ पर अब बड़े दीपक आने लगे हैं, पांच मुखी दीपक, बहुत ही सुंदर सुंदर। यदि आपने एक डार्क कलर का मैट यूज़ किया है तो उस पर लाइट कलर के फ्लावर्स आप चारों तरफ बिछा दीजिए और दीपक ऐड कर दीजिए। यदि आपका टेबल मैट लाइट कलर का है तो फिर आप डार्क कलर के फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ सोफों पर आप यदि कलरफुल और थोड़े फेस्टिव लुक वाले कुशन कवर ऐड करेंगे तो ये आपके सोफे को भी बहुत अच्छा लुक देगा। सेम डेकोरेशन आप टीवी कॉर्नर्स के साइड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे पास रंगोली। बहुत सारे लोगों को रंगोली बनाना नहीं आता है, या फिर उनकी प्रॉब्लम होती है कि उस साइड पंखा चलता है या कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनकी रंगोली उड़ जाती है, या फिर घर में बच्चे हैं बार बार रंगोली बिगाड़ देते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा और क्विक रंगोली आइडिया, जिनको रंगोली बिल्कुल भी बनाना नहीं आता उनके लिए। एक मिडल फ्लावर लेंगे, उसके साइड में जो पुरानी हमारे घर पर मालाएँ होती हैं, यदि आपने डार्क कलर का फ्लावर लिया है तो लाइट कलर की माला लीजिए, और लाइट कलर का फ्लावर लिया है तो आप डार्क कलर की माला यूज़ कर सकते हैं। इसके चारों तरफ हमने एक राउंड बना दिया है। कुछ बड़े फ्लावर्स लेकर हम इसके चारों तरफ सेट करेंगे। तो इनके चारों तरफ हमने गोलाई में फ्लावर्स ऐड कर दिए, और इसके ही साइड से हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ दीपक,
तो यहाँ पर मैं तो फिलहाल इलेक्ट्रिक दीपक यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके पास ये सेल या बैटरी वाले दीपक नहीं है तो आप नॉर्मल दीपक ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बट यदि घर में छोटे बच्चे हैं और आपको दीपक जलाने में डर लगता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है उनके साथ। नेक्स्ट आइडिया है, घर में कई सारी टेबल्स होती हैं या फिर कॉर्नर्स होते हैं जैसे कि सू रैक वगैरह लगी रहती हैं, तो आप उनमें से किसी को भी इससे डेकोरेट कर सकते हैं। हमने एक उस पर मैट डाल दिया है लाइट कलर का और उसके ऊपर कुछ बुक्स रखी हैं, एक सुंदर सा डेकोरेटिव पीस रख दीजिए, एक कांच का बाउल, इसमें हम डालेंगे कुछ कलरफुल जो स्टोन्स आते हैं मार्केट में जो हम गार्डन को डेकोरेट करने के लिए या फिर वैसे भी घर के काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम में यूज़ करते हैं, तो इन स्टोन्स को हम ऐड कर देंगे और इन्हीं के साथ हम इस पर ऐड करेंगे कुछ दिया। आप ऐसा एक बार करके देखिए, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और स्पेशली रात के टाइम ये छोटी छोटी डेकोरेशन आपके घर की ब्यूटी को बहुत ही इन्हेंस कर देगी। तो नेक्स्ट जो आइडिया है वो भी एक टेबल आइडिया है, इसको भी सेम आप सूरेक्स पर या फिर एंट्री डोर पर यूज कर सकते हैं। आपके पास पुराने ब्रास आइटम्स पड़े हुए हैं या आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह से ब्रास के आइटम्स को बस डेकोरेट बस लगा दीजिए और एक बंदरवाल लगा कर दीपक जला दीजिए। नेक्स्ट आइडिया जो है वो है हमारा कॉर्नर के लिए, तो इस तरह की जो लैंप आती हैं होम स्पा लैंप भी बोलते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। इसमें हम बीच में एसेंस ऐड कर सकते हैं, तो आप इस तरह की एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाली लैंप ऐड कर सकते हैं जो एकदम फ्रेश और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आपके पूरे घर में। आप किसी भी साइड कॉर्नर पर इसको, इसमें जो लाइट इफेक्ट है वो भी बहुत सुंदर लगता है। बस चारों तरफ फूल लगा दीजिए और इसको जला दीजिए और हो गए, आपके घर में सारे के सारे कॉर्नर्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये थोड़ा यदि आपको नीचे लगता है तो आप बाउल भी ऐड कर सकते हैं इसके नीचे। इसके बाद रह गया हमारा डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल यदि डेकोरेट नहीं होगा तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस पर हम डालेंगे सबसे पहले एक मैट, उसके बाद एक, यदि कांच का टेबल है तो आपको मैट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यदि आपका भी टेबल लकड़ी का है तो उस पर एक मैट डाल दीजिए और उसके ऊपर से एक रग ऐड कर दीजिए, कोई भी फेस्टिव यूज़ वाला भी रग आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास रग नहीं है तो ऐसे केस में आप जो सुंदर सुंदर आजकल सिल्क की चुन्नियाँ आती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो एक सिल्क का दुपट्टा ही है। इसमें मैंने लिए हैं दो कांच के ग्लास और एक बाउल, बाउल में मैंने कुछ फ्लावर्स वाइट और रेड मिक्स करके लगा दिए हैं और दो ग्लास, इसमें हमने सबसे पहले फ्लावर ऐड किए और उनके ऊपर हमने दो दीपक रख दिए हैं। अब यहाँ पर खाने के लिए हम सेट कर देंगे कुछ क्रॉकरीज जैसे प्लेट्स बाउल, हम यहाँ पर हम एक वुडन टेबल सॉरी वुडन ट्रे लेकर उस पर कुछ ग्लास एंड सॉल्ट और ब्लैक पेपर के लिए छोटी छोटी डिब्बियों को ऐड कर देंगे और थोड़े से अच्छे से कोस्टर्स को इधर उधर डालकर हम इसको एकदम बहुत ही खूबसूरत सा और अच्छा लुक दे सकते हैं।
तो ये सारे के सारे आइडियाज़ जो भी थे वो सभी आप घर के ही सामान से बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, और बस आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, वही सारी चीज़ें हैं, और ये आपके घर को एकदम नया और खूबसूरत लुक देंगे। त्यौहार पर आपके घर की ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें।